एयर टाइट नहीं करना है, कपड़े से मुंह बांधना है। कपड़े से मुंह बांधना एयर, हाँ तो कपड़े से तो हल्की सी एयर पास होती रहेगी। और 5 दिन के बाद कपड़े को खोलकर और इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना, और फिर थोड़ा सा पानी मिला के इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना 5 दिन के बाद, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी सेतु में रखना है, सेतु में। हाँ, छाया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, थोड़ा बन जाओ। पानी थोड़ा सा, मतलब लगभग 10-15 लीटर के आसपास, ताकि घुमाने में आसानी हो जाए, ढीला इतना हो जाए। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना, इसमें 200-400 लीटर पानी मिलाना आप अपने हिसाब से, और फिर इसमें छोटी सी मशीन रख के और पाइप के थ्रू जोड़ के, और वैसा भी दे सकते हो, या फिर पंप में भर के आगे की नोजल खोल के और सीधा जमीन में ये देना है। कुल मिला के ये 1 एकड़ का डोज है, आप जैसे दे सकते हो जड़ों में आपको देना है। देना कब है? नहीं, घुमाने के बाद फिर नहीं रखना, फिर इस्तेमाल करना। हाँ, 5 दिन के बाद और 7 दिन के पहले इसे इस्तेमाल कर लेना है। इसको देंगे कैसे? और ड्रिप में डालो, पानी में डालो, ये मल्टी में लेके डालो, ठीक है? कितने टाइम में डालना सर? 20 दिन, ये हर 20 दिन में रिपीट करना है आपको। हाँ हाँ, 200, 300 and 400 के लीटर वाटर ऐड कर देंगे एज पर रिक्वायरमेंट या एज पर सिस्टम, आपका क्या सिस्टम है इरिगेशन करने का उसके हिसाब से। हाँ, अगर मान के चलो पाइप का ऐसा है कि भाई जो है छोटी मशीन रख के और सीधा उसमें छोटे मशीन से ही देंगे आधा हॉर्स पावर की, तो वो तो ज़्यादा खींच लेगी। पता चला आधा 15 डिसमिल जगह की और वो मशीन ने पूरी टंकी खाली कर दी, तो आप क्या करना, फिर उस कंडीशन में 500 लीटर पानी मिला देना और वो पाइप से फिर घुमा देना, ऐसे कर देना। तो वो जरूरत के हिसाब से, वो जब आप एक बार करोगे तो आपको एक बार में गड़बड़ होगा, दूसरी बार में समझ आ जाएगा कि अब क्या करना है, क्योंकि आपका जो सिस्टम होगा वो सिस्टम सबका अलग अलग होगा अपना। कोई कोई पंप नहीं, नहीं ऊपर से नहीं, जड़ों में देना। कोई पंप की नोजल से देगा तो उसे अंदाज लग जाएगा कि इतना देने पे इतना खत्म हो जा रहा है और इतनी जगह को हो रहा है, तो इतना अगर हम पानी मिलाएंगे तो इतनी जगह को हो जाएगा। वो जब आप करने बैठोगे ना तो आप अपने आप समझ में आ जाएगा। कुल मिला के ये मटेरियल 1 एकड़ के लिए देना है और रिपीट 20 डेज में आपको करना है, ठीक है? और फसल कोई भी हो, ठीक है, गेहूं, चावल, धान से लेकर फूलों की खेती से लेकर फलों की खेती से लेकर अनाज की खेती से लेकर सब्जियों की खेती से लेकर सभी तरह की मसालों की खेती से लेकर सभी फसलों में कॉमन है ये, मतलब 20 ये, हाँ 20 डेज में रिपीट करना है ये मटका खाद। इससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पूर्ति होगी और जीवाणु ज़्यादा बढ़ेंगे और फर्टिलिटी सॉइल की अच्छी होगी और अच्छा पौधे में ग्रोथ आएगा। जी, क्रॉप आने के बाद मटके में तैयार करोगे तो इसका फायदा 100% मिलेगा, और अगर वैसे तैयार करोगे तो इसका फायदा थोड़ा बहुत कमजोर हो जाएगा, बस इतना ही। और कुछ प्लास्टिक के ड्रम में कम मिलेगा? हाँ, प्लास्टिक के ड्रम, हाँ प्लास्टिक के ड्रम में कर सकते हो। नहीं, कम मिलेगा मुझे मटके से, उसमें मटके से ज्यादा फायदा होगा, मटके से ये हो गई मटका खाद की बात। फिर इसके बाद आती है, यही 2 खाद बनाने हैं आपको, ये इम्पोर्टेंट खाद हैं आपको बनानी है। वर्मी फॉस जो आज आपने बनाया, कल आपको हम बनाना सिखाएंगे मटका खाद, ये दूसरी खाद हो गई। और तीसरी जो लिक्विड के रूप में ऑटोमेटिकली निकल रही है वो, और चौथी है जीवाणु मल्टीप्लाई करने के लिए बैम्बू की खाद, ठीक है? ये 3-4 तरह की चीजें ही